दोस्त कहते होते कि आप डांस ना करो यार, बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, जमीन वाइब्रेट होती है, गुनाह वाले मामले आते हैं, घर वाले भी कहते, दोस्त भी कहते, तो नहीं माना, यानी मानते नहीं थे हम लोग इस चीज़ को। जेन में मेरे चीज़ आई जब छत मैंने वाइब्रेट होती देखी, उसके बाद मैंने वहीं पे उन उस्ताद को कह दिया कि उस्ताद जी मैं नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप अब नमाज पढ़ें, तो मैं नमाज पढ़ने के लिए आ गया। दावा देते था ना लोगों को जाके जो मेरे साथ करते थे, वो मजाक उड़ाते थे, कहते यार तू अब बाजी हो गया, हम लगा के हम तो करेंगे, तू नहीं कर रहा, एक लहदा चीज़ है। फिर दुआ करता था कि कोई ऐसा निज़ाम हो कि यानी कि मैं खुद भी पढ़ूँ और आगे बच्चे भी पढ़ाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियाँ अरसलान। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे हदायत देता है और जिसे चाहता है उसे गुमराही देता है। ऐसे ही आज की कहानी एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके सामने लाया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को किस तरह गुमराही से निकाल कर हदायत का रास्ता दिखाया, और वो इंसान जो कि गुनाहों के, मैं कहता हूँ गुनाहों में इतना मुबतला हो चुका था कि गुनाहों में ऐसे ज़िंदगी गुजार रहा था कि उसको दुनियादारी भूल चुकी थी कि इस्लाम क्या है, या इस्लाम के साथ मोहब्बत क्या है, इस्लाम के साथ चाहत क्या है। वो शख्स जो कि नरगस और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी डांसरों के साथ डांस करने वाला, और जो कि गुमराही के रास्ते पर चलने वाला शख्स किस तरह नेकी के रास्ते में आता है, और आज वो तकरीबन 60 से 70 बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा है। ये ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज कैसे आया और कैसे मुमकिन हुआ कि उन्होंने अपनी जो कि बुराई वाली ज़िंदगी को छोड़कर अच्छाई वाली ज़िंदगी गुजारी, और आज इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि कब ये हुआ कि आपके दिल में रहम आया कि आप अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डर गए। जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। तो ना यानी कि जब इस काम में मुतला थे ना डांस में, जी तो यानी कि हम रेसल कर रहे एक रात उस्ताद के साथ, रेगुलर रेसल करते होते थे हम लोग, तो यहाँ के करीब का ही वाक्य है। तो ना लोग दोस्त कहते होते कि आप डांस ना करो यार, बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, जमीन वाइब्रेट होती है, गुनाह वाले मामले आते हैं, घर वाले भी कहते, दोस्त भी कहते, तो नहीं माना, यानी मानते नहीं थे हम लोग इस चीज़ को। तो एक रात हम रेसल के लिए गए, तो वहाँ पर हमने जब रेसल शुरू की तो छत के ऊपर रेसल थी, तो जब हमने रेसल शुरू की तो छत बड़ी वाइब्रेट हुई। अच्छा। तो वहाँ से मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि यार लोग कहते हैं ज़मीन इतनी वाइब्रेट होती है, तो तुम छत के ऊपर रेसल कर रहे हैं तो छत इतनी वाइब्रेट हो रही है। तो वहाँ से मैंने उस्ताद को कहा कि उस्ताद जी बस मैंने आगे ना प्रोग्राम नहीं करने और मेरा एंड है, मैंने बस यही जो आपके साथ आज आ गया हूँ ना, उसके बाद मैंने नहीं आना। कर सर मुझे ये बताइएगा कि आप उस फील्ड में कब गए थे? मैं बचपन से वैसे शौक था, काम करते थे, उसके बाद डांस यानी कि देखते करते रहते थे, ऐसे ही सीखते रहते थे लोगों के साथ जा जाके, तब से बचपन से। बचपन से। और कितने साल हो चुके ये काम छोड़े? ये मैंने छोड़ा है 12 के 6 महीने में। हम लोग बाहर ना क्रिकेट खेल रहे थे, तो आज भी मेरे वो साथ अटैच हैं परवेज साहब, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप अब नमाज पढ़ें, तो मैं नमाज पढ़ने के लिए आ गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आप डांस कर रहे थे तो वो सारी जगह वाइब्रेट हुई थी, तब क्या आपके ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर आया था या सारे ही लोग डर गए थे? जो रेसल कर रहे थे ना वो सबको मैंने कहा कि यार लोग कहते हैं ज़मीन इतनी वाइब्रेट होती है तो छत इतनी वाइब्रेट हो रही है, मैंने कहा लोग हकीकतन सही कह रहे हैं तो हम ये जो चीज़ छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं यार बस ऐसे छत के ऊपर लगे हो तो छत तो जब वाइब्रेट होगी जब करेंगे। मैंने कहा मैंने नहीं करना, आप करो, मैं नहीं करूँगा ये चीज़। बस उस वही चीज़ थी कि आपकी ज़िंदगी बदल गई और खौफ खुदा पे। हाँ जी वही, बस एक दिन में मेरे चीज़ आई जब छत मैंने वाइब्रेट होती देखी, उसके बाद मैंने वहीं पे उन उस्ताद को कह दिया कि उस्ताद जी मैं नहीं करूँगा। उस्ताद कह रहे हैं यार आप करो आगे, हम करेंगे काफ़ी चीज़ें आगे। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी बस ये लास्ट। फिर कैसे मुमकिन हुआ कि आपने वो तो रास्ता छोड़ दिया, उसके अलावा भी आप कोई और काम कर सकते थे, फिर आपने बच्चों को पढ़ाना ही क्यों मुनासिब समझा? मैं नमाज़ की तरफ आया, नमाज़ के यानी कि परवेज़ साहब जो मेरे दोस्त हैं, जो नमाज़ पर मुझे दावत दी, वो मुझे चीज़ें सिखाते रहे, वज़ू के मसाइल, नमाज़ के यानी कि कुरान पाक, उन्होंने मुझे चीज़ें पढ़ाई काफ़ी। फिर मैंने सीखना शुरू किया, फिर दुआ करता था कि कोई ऐसा निज़ाम हो कि यानी कि मैं ख़ुद भी पढ़ूँ और आगे बच्चे भी पढ़ाऊँ। अच्छा आप कुरान पाक के हाफिज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिफ्ज़ किया है। अच्छा मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं किया लेकिन माशाल्लाह बच्चों को नाजरा कुरान पाक अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत से लोग हैं जो इस रास्ते की तरफ आना चाहते हैं लेकिन वो पता नहीं उनके ख्याल में कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि शायद हम ये काम छोड़ेंगे तो हमारा रिज़क बंद हो जाएगा, हमारे साथ पता नहीं क्या क्या होगा। तो आप जब इस तरफ आए तो आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा जब आप इस्लाम के रास्ते पर चले? देखिए जी कोई भी बुरी चीज़ है कोई भी छोड़े ना तो लोग बड़ा कहते हैं कि अब तू हाजी हो गया है। हाँ, ये भी सारे मामला देखने पड़ते हैं। अब तू हमें कह रहा है, हमें पहले कहता था डांस कर, अब हमें कह रहा है नमाज पढ़, अब तो आज ही हो गया, सारी चीज़ें ये कर रहा है।
तू जा हम नहीं पढ़ करेंगे तू, यानी कि मैं दावा देता था ना लोगों को जाके जो मेरे साथ करते थे, वो मजाक उड़ाते थे, कहते यार तू अब बाजी हो गया, हम लगा के हम तो करेंगे, तू नहीं कर रहा, एक लहदा चीज़ है। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, काफ़ी परेशानियों का सामना किया, बड़े मामला जो सामने आए, पर अल्हम्दुलिल्लाह के मैं डटा रहा अल्लाह के फजल से। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि सबसे ज़्यादा डांस कौन सी जो कि मशहूर एक्टर्स या कौन से डांसर के साथ आपने किया? हमारा जो उस्ताद था ना, वो राजू नाम है उसका, आज भी काफ़ी लेवल पे वो डांसर है, तो उसके साथ ही हम जाते थे जहाँ पे वो ले जाए, मकसद प्रोग्राम के लिए करने के लिए जिधर भी। उन लड़कों में से जो वो जो कि डांस कर रही होती हैं और तो उनके पीछे जो नाचते हैं उनमें से? हाँ, उनके साथ, यानी कि हमारा प्रोग्राम होता था फिट, साथ उनके करते थे हम प्रोग्राम, हमारा उस्ताद लेके जाता था हमें। अच्छा, अब आप इस दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो चुके? अल्हम्दुलिल्लाह जो ये ज़िंदगी गुजर रही है ना अभी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है उस ज़िंदगी से, बेहतर शादीशुदा अभी? अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा। कितने बच्चे? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 है। अच्छा, ज़िंदगी का रोज़गार कैसे चल रहा है? ज़िंदगी का रोज़गार मजदूरी करके। अच्छा, दिन को आप मजदूरी करते हैं जो कि मिस्त्री के पीछे, और रात को बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं? हाँ जी, यही काम है अल्हम्दुलिल्लाह, फजर के बाद एक क्लास होती है, उसके बाद रोज़गार के लिए, उसके बाद एक मगर के बाद क्लास होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी ज़िंदगी में ऐसा शैतान ने वसवसा नहीं डाला कि यार तुम तो एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या बना कि आज तुम जो कि एक मिस्त्री के पीछे ईंटें उठा रहे हो, सीमेंट उठा रहे हो और मजदूरियाँ कर रहे हो, तुम तो तब पैसे अच्छे खासे थे, ज़िंदगी तुम्हारी गुजर रही थी, कभी जहन में ऐसे वसवसे तो नहीं आए? वसवसे आते हैं, देखे जी जो ये जेन्युइन हकीकी रास्ता है उसके बाद खौफ़ खुदा आता है कि मरना भी है, पूरी ज़िंदगी थोड़ा यहाँ पर रहना है कि जाना भी है, बस ये चीज़ें जहन में आती हैं। अच्छा बताइएगा कि जब इंसान इस रास्ते पे आता है तो तब सुकून कल्बी क्या होता है, जो कि सुकून, दिल को सुकून आता है, वो किस तरह का होता है? सुकून देखें जी कि जो, यानी कि जो अमीर से अमीर है ना, जिसके पास करोड़ों रुपए की दौलत है, उससे भी सुकून नहीं होगा कि जब बंदा बुराई के रास्ता छोड़ के अच्छा ही रास्ते पे आए, नमाज पढ़े, सच्चे दिल से तौबा करे और कुरान पढ़े, यकीन करे इतना सुकून है कि कभी जिंदगी में सुकून यानी कि नहीं था पहली जिंदगी में, जो इस जिंदगी में सुकून है। अच्छा बताइए कि जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये आपने जगह अपनी ली हुई है, कैसे मोहल्ले वालों ने दी, कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये हम किराए पे ली है जगह, तकरीबन ये मैं 8-10 हज़ार में पढ़ रहा है महीना। तो उसके पैसे कौन देता है? कुछ यानी कि खुद, यानी कि लोग दोस्त अहबाब हैं जो 1000 देने वाले को, 500 देने वाले, ऐसे मामला होते हैं, कभी कम पड़ जाते हैं तो खुद यानी कि अपनी जेब से भी लगाने पड़ते हैं दिहाड़ियों में से। ठीक है, और अभी बताइएगा कि अब आपको कुछ सैलरी वगैरह भी दे रही हैं दोस्त, वो कुछ पैसे इकट्ठे करके? नहीं, सैलरी नहीं, मकसद सैलरी तो कुछ भी नहीं दे रहे ऐसी कोई चीज़। जो आप मजदूरी करते हैं दिन को और उसी पैसों से अपनी ज़िंदगी का जो के गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ, उसी से गुजर बसर कर रहे हैं, कोई सैलरी वाला सिस्टम नहीं है, सभी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फीस अभी लीला पढ़ रहे हैं। आइएगा कि आप आखिर में उन लोगों को पैगाम देना चाहें जो कि भटक चुके हैं और गुमराही में जा चुके हैं और अल्लाह तबारक तआला ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं और उनके कुछ काम ही ऐसे हैं कि वो अच्छाई की तरफ आना ही नहीं चाहते, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि शायद कोई एक ऐसी बात जो उनके दिल में उतर जाए और वो भी जो कि राय हक पर चलने के लिए उनके दिल में भी एक रहम आ जाए? देखिए जी, मेरा ये मैसेज है कि जो बुराई का रास्ता ना, उसकी बुनियाद कम है, अच्छाई के रास्ते की बुनियाद ज्यादा है, मरने के बाद है, मरना तो है ना एक दिन दुनिया फानी है, खत्म हो जानी है, उसके बाद दी एंड है कि अल्लाह के आगे जाना, हम इतनी नेकी कर लें कि अल्लाह के यहाँ पेश तो होना है, जाके खड़े तो हो सके। और मेरा ये आपके चैनल से एक मैसेज है लोगों को, देखने वालों को, कि जो आना चाहते हैं ना यानी कि अच्छाई के रास्ते पे, तो उनकी जो चैनल वाले हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि अच्छाई को ज़्यादा बयान करें, लोग अच्छाई देखें, जो बुराई जो इतनी फैशन यानी कि फैलाते हैं लोग, कोई एक टिकटॉकर वायरल हो जाए तो वो पूरी दुनिया में ऐसे पूरे पाकिस्तान में खबा फैल जाती है उसकी, तो ऐसे जो अच्छाई के रास्ते पर आना चाहता है ना उसको आगे लेके आना चाहिए कि वो अच्छा काम करके उसकी हौसला जाई हो, ताकि और लोग भी शौक पैदा करें, जो अच्छे काम किए ज़िंदगी में वो लोग आके बयान करें ताकि लोग देखें और भी अच्छे काम करने वाले लोग बने। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, आपके पास माशाल्लाह बच्चों की तादाद काफ़ी है और मैंने देखा है कि ऐसे जो कि पीराने साहब भी होते हैं जिनकी तरफ बड़े बड़े बकरे भी जा रहे होते हैं, उनको जो कि मालो दौलत दिए जा रहे होते हैं और उन्होंने कभी कुरान पाक की तालीम के बारे में, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने कभी सोचा नहीं होता, और आप माशाल्लाह एक छोटी सी जगह पर देखे 50 से 60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपको कोई मदरसे के लिए कुछ जगह डोनेट की जाए या कुछ ऐसा कोई आपका है मैसेज?
मेरा मैसेज है देखने वालों को सबको कि हमें कोई जगह ऐसी दी जाए कि जहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये निज़ाम और मज़ीद कायम कर सके और मज़ीद अच्छा बना सके, ताकि मज़ीद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ सके ज़्यादा तादाद से। और अगर जगह नहीं तो कोई चलो हमें ऐसा कोई निज़ाम हो जाए कि हमारी मदद की जाए, ताकि हम यानी कि किराए में पैसे प्रमोट हो जाए, तनख्वाहों में यानी कि जो यानी कि मामला है हमारे अपने भी और बच्चों के यानी कि सपारे वगैरह तो यानी कि जो डेस्क वगैरह और चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं जो हमें करनी पड़ती हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी उस इंसान की जिनका कहना था कि मैंने उन बुरे कामों से ऐसा इत्नाम किया कि ज़िंदगी में जो भी मेरे जो कि बुरे काम थे उनसे मैं दूर हो गया और आज मैं अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ कि जो आने वाली मेरी आखिरत भी अच्छी होगी और मेरी ये दुनिया भी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं मैं आपको 14 में दिखा रहा हूँ कि इसमें तकरीबन 50 से 60 बच्चे पढ़ रहे हैं और ये कुछ दोस्त मिलकर उनको जो कि सारा सिलसिला चला रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो कि पीरों के पास जाते हैं या और भी अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं उनको जो कि अपने जो जो भी पेश करना चाहते हैं नजराने पेश करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि खुदारा आप इनके लिए कोई ऐसी जगह का बंदोबस्त करें जहां पर ये और इस निज़ाम को वसी कर सके ताकि और लोगों के दिल में शऊर पैदा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।